नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है। टीना का घर बनाने का total समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आहूत उत्तर कन्या अभियान को रोकने के लिए पुलिस की ओर से सभी प्रकार की तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुट गई है। शहर के मुख्य भागों को किलेबंदी कर दी गई है। पुलिस उत्तर कन्या अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक को उत्तर कन्या तक नहीं फटकने देने के लिए सभी व्यवस्था की है। तीन बत्ती मोड़ से लेकर नौका घाट तक पुलिस की ओर से अभिन्न व्यवस्था की गई है। फुलबाड़ी में भी व्यापक बैरिकेडिंग की गई है ताकि इसको पार कर कोई प्रदर्शनकारी वहां नहीं पहुंच सके। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर बंगाल में सभी जिलों में शुरू हो गई है, जिससे ज्यादा भीड़ सिलीगुड़ी में एकत्र नहीं हो सके। अभियान को लेकर भाजो जोमा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद सौमित्र खान का कहना है कि नवाज अभियान के बाद 7 दिसंबर को उत्तर कन्या अभियान भी सफल होगा। इस अभियान के लिए राज्य के नेताओं का आगमन हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय की इसमें भाग लेने की संभावना है। इसमें सांसद व विधायक के अलावा स्थानीय जिला स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए शकरपुर इलाके से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 आतंकी खालिस्तान के और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के हैं। इनके पास से $100,000 हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस इनका किसान संगठनों से लिंक खंगालने में जुटी है। ये दिल्ली से किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,981 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना की चपेट में आकर 391 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोविड 19 की वजह से 96,77,203 लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 91,39,901 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 39,109 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 3,96,729 है। कोरोना वायरस के कारण अब तक देश में 1,40,573 लोगों की मौत हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर कन्या अभियान के तहत जलपाईगुड़ी में भी पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं और कर्मियों के द्वारा अन्य मार्गों से उत्तर कन्या अभियान कार्यक्रम के तक पहुंचने की कोशिश जारी है। पूरे प्रकरण में पुलिस और भाजपा के नेताओं और समर्थकों के बीच आंख मिचौली का खेल लगातार चल रहा है। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा की सभानेत्री टीना गंगोपाध्याय की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। यह अभियान सफल होकर रहेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने भी कहा है कि उत्तर कन्या अभियान को रोकने की पुलिस चाहे कितनी भी कोशिश करे, वह सफल नहीं हो सकती। इस अभियान को सफल करने के लिए भाजपा समर्थक हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस पुलिस के बल पर इनको रोक नहीं सकती। उत्तर कन्या अभियान गाड़ी नहीं, हमारा रूट रूट दे जाबो, हमारा लोग नहीं जाबो, पूछेगा हजारों लोग नहीं, अभी जगह आज कच्ची तो हमारा लोग नहीं जाबो, हमें निश्चित है। हमारे यहाँ आज कल लोग जिस तरह जात कैसे इंदिरा मोरे मोहिला भी जात कच्चे धूप हुई जोर लगा जात कच्चे राजभवन जात कच्चे मतलब कुछ लोग करके माल बाजार सब दुखे गाड़ी आज पुलिस और की पुलिस तृणमूल नेता जा पुलिस तक एट मन रखबें शिकारी एकदम एकदिन ना शिकार हो जाए फिर एक शिकार हो आज के हमारे उत्तरबंग अभिजात যুব মোর্চার ডাকে আমরা তাই রওনা দিয়েছি আজকে। আর চারিদিকে পুলিশ প্রচুর বাধা, দিদি পুলিশটা দাঁড়িয়ে আছে, তো আমরা সব বাধা অতিক্রম করে আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছাবো, ওই জন্য আমরা রওনা দিয়েছি আজকে মহিলা মোর্চার জেলার টিম।
আমাদের র্যালি সাকসেসফুল হবে, বিশাল পরিমাণে মানুষ এক জায়গায় জড়ো হবে, আর এই পুলিশ বাহিনী দিয়ে আমাদের বিজেপিকে রক্ষা যাবে। पिछले 11 दिनों से कृषि विधेयक के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का सोमवार को 12वां दिन है। यह आंदोलन व्यापक रूप लेता नजर आ रहा है। इस क्रम में मंगलवार 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने वाले किसानों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज मुलाकात करेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने आंदोलनकारी किसानों द्वारा बुलाए गए 8 दिसंबर को भारत बंद से दूरी बना ली है। इसके पीछे भारतीय किसान संघ की ओर से इसमें शामिल राजनीतिक पार्टियों का कारण बताया गया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि किसान संगठनों की लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए। मालदा थाने की मोथाबड़ी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें आधुनिक हथियारों के साथ 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नियमित नाका चेकिंग के दौरान रविवार देर रात मोथाबड़ी ग्राम पंचायत के गीतामोर इलाके में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोका। इस मोटरसाइकिल में पुलिस को 2 पाइप गन, 2 7 mm पिस्तौल और 4 राउंड गोली बरामद की। इस मामले में उत्तर चंडीपुर के 2 निवासियों मनीरुल हक और नियामत अली को गिरफ्तार किया। दोनों को सोमवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया और पुलिस रिमांड पर लेने की मांग की, ताकि वह पता लगाया जा सके कि वह कहां पर तस्करी करने वाले थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहां किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहां है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 9709 81। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है। 20 minute में ही car wash, in-house automatic color बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही call कर appointment book कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अप्लाई फॉर 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778 फॉर कॉल। अपने
सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता, विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348881 या 9324953028। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना महामारी का असर शादियों में नजर आ रहा है। राजस्थान में बारा जिले के छतरगंज गांव की में एक अनोखी शादी हुई। यहां कोरोना संक्रमित दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर दूल्हे के साथ कोविड केयर सेंटर में ही सात फेरे लिए। जानकारी के अनुसार छतरगंज गांव में एक युवती और उसकी मां ने 2 दिन पहले घर घर स्क्रीनिंग कर रहे कोरोना जांच दल से जांच करवाई थी। दोनों की तबीयत खराब थी। रिपोर्ट आई तो मां और बेटी दोनों कोरोना संक्रमित निकली। उसका विवाह रविवार को होना था। विवाह की तैयारियां तेजी से चल रही थी। इसी दौरान युवती व उसकी मां की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में ही मंडप सजाया। इसी में शादी की रस्में पूरी कराई। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए महीनों से जारी कवायद अब रंग लाती दिख रही है। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोरोना वैक्सीन में अपने कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। सीरम भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बन गई। सालाबाड़ी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी स्पर्श और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी प्रेरणा की ओर से 1+1=11 योजना के तहत कुल 11 सेवा मूलक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नेत्र के लिए आई कैंप, डायबिटीज कैंप, पेडियोट्रिक कैंप, कैंसर अवेयरनेस कैंप, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, ट्री प्लांटेशन, चिल्ड्रन डे किट डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोथेरेपी कैंप, फूड फॉर ऑल के तहत खिचड़ी वितरण, ब्लैकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एमसीसी लायंस संजय अग्रवाल, पीडीजी लायंस कमल कल्याणी, आरसी लायंस राजेंद्र गर्ग, आरसी साहिल गुप्ता, जीएलटी कोऑर्डिनेटर लायंस विष्णु केडिया, अध्यक्ष कमल पुगलिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में 3,143 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,99,697 हो गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 महामारी से 46 और मरीजों की मौत हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या 8,723 पहुंच गई। इसके अनुसार राज्य में अभी 23,894 मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अटॉर्नी रूडी गुलियानी संक्रमित मिले हैं। ट्रंप ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 76 साल के गुलियानी न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर हैं। वे ट्रंप को चुनाव में मिली हार से जुड़े मुकदमे देख रहे थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इटली में रविवार को 18,887 नए मामले सामने आए। अब तक यहां 17 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटों में देश में 564 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही यहां मौतों का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया। इटली मौतों के मामले में फिलहाल दुनिया में 6 नंबर पर है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.73 करीब के पार
हो गया है। 4,65,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,41,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े WW वर्डोमीटर इन्फो कोरोना वायरस के मुताबिक। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।